ये गणपति महोत्सव जो है 7 से 17 सितंबर तक बड़ी धूमधाम से लुधियाना, पंजाब, भारत, विश्व में मनाया जाता है। कई सदियों से, कई वर्षों से मनाया जाता है। वैसे तो महाराष्ट्र, गोवा आदि, बॉम्बे में, कर्नाटक में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और पंजाब में भी घर घर, हर चौक चौक, मंदिर मंदिर में मनाया जाता है। इसके पीछे तो कई कथाएं हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर जो है, पितरों की याद में ये मंदिर बनाया गया है। तो मैं सभी जनता जनार्दन से, भक्तजनों से प्रार्थना करता हूँ कि गणेश महोत्सव बहुत ही खुशी से मनाइए। गणेश जी महाराज रिद्धि देते हैं। गणपति महाराज ने अपने हाथों से महाभारत जो ग्रंथ है उनको लिखा। जब धूल मिट्टी काफ़ी पड़ गई गणपति गणेश जी के ऊपर, तो इन्होंने माँ सरस्वती नदी में जाकर के स्नान किया। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि गणपति महाराज जी हमारे दुख सुख सभी ले करके हम सब विसर्जन करते हैं। गणपति को वैसे विसर्जन तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि गणपति तो प्रथम देवता है। कई लोग तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, कोई 10 दिन, एक दिन भी कोई रखता है। आजकल तो क्या है कि लोग 5 घंटे, 2 घंटे भी रख करके विसर्जन कर देते हैं। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप दुआ और तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। इस वेले अगे असीं लुधियाना शहर के रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर और जानते हैं पंडित जी तो कि इस साल गणेश महोत्सव यानी कि गणेश चतुर्थी कदों आ रही है और किस प्रकार के नाल इस बारी पाठ पूजा अपने घर की जा सकती है। सो फिर गल करते हैं पंडित विजय शर्मा जी ना, और जानते हैं कि इस बारी गणेश महोत्सव कदों आ रहा है। बोलिए गणेश भगवान की जय। ये गणपति महोत्सव जो है 7 से 17 सितंबर तक बड़ी धूमधाम से लुधियाना, पंजाब, भारत, विश्व में मनाया जाता है। और ये गणेश महोत्सव बहुत ही प्राचीन महोत्सव है। कई सदियों से, कई वर्षों से मनाया जाता है। वैसे तो महाराष्ट्र, गोवा आदि, बॉम्बे में, कर्नाटक में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और पंजाब में भी घर घर, हर चौक चौक, मंदिर मंदिर में मनाया जाता है। इसके पीछे तो कई कथाएं हैं, कई कथाएं हैं। वैसे तो हमारे वेद बहुत हैं, शास्त्र बहुत हैं। इसमें कहते हैं कि जब वेद व्यास भगवान जी ने गणपति गणेश जी को कहा कि ग्रंथ लिखिए, हमारा एक महाभारत उन्होंने 10 दिन में पूर्ण किया। गणपति महाराज ने अपने हाथों से महाभारत जो ग्रंथ है उनको लिखा। जब धूल मिट्टी काफ़ी पड़ गई गणपति गणेश जी के ऊपर, तो इन्होंने माँ सरस्वती नदी में जाकर के स्नान किया, और तभी से ही जनता जनार्दन, भक्तजन 10 दिन तक गणपति महाराज जी को विसर्जन करते हैं। जो भी दुख, जो भी अपने रोग, जो भी अपने दोष गणपति महाराज जी की गोद में समर्पित करते हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि गणपति महाराज जी हमारे दुख सुख सभी ले करके हम सब विसर्जन करते हैं। गणपति को वैसे विसर्जन तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि गणपति तो प्रथम देवता है। इनको माता पिता का भी आशीर्वाद मिला है। वैसे तो बहुत सी ऐसी कथाएँ हैं, अपने अपने ढंग से हैं, लेकिन ये कथा इस प्रकार से है कि 10 दिन विसर्जन किया जाता है, और गणपति जी ने स्नान किया था। बहुत थक गए थे, बहुत धूल मिट्टी के कारण, हाँ जी, महाभारत ने 10 दिन में ही पूर्ण की थी, जिसके कारण धूल मिट्टी से ये स्नान करके आए। तभी भक्तजनों ने इनको स्थापना, ये जो स्थापना की जाती है, ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को लोगबा लोग भक्त जन्मदिवस भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, और स्थापना भी उसी दिन ही करते हैं। कई लोग तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, कोई 10 दिन, एक दिन भी कोई रखता है। आजकल तो क्या है कि लोग 5 घंटे, 2 घंटे भी रख करके विसर्जन कर देते हैं। ये सब भावना की बात है, क्योंकि भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही संसार है, भाव से जो भजता मुझे भव से बीड़ा पार है। रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर में भी 23वां गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये मंदिर, रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर जो है, पितरों की याद में ये मंदिर बनाया गया है। तो मैं सभी जनता जनार्दन से, भक्तजनों से प्रार्थना करता हूँ
कि गणेश महोत्सव बहुत ही खुशी से मनाइए। गणेश जी महाराज रिद्धि देते हैं, सिद्धि देते हैं, सुख और शांति, धन और संतान, पुत्रों की प्राप्ति देते हैं। गणपति महाराज हर प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करते हैं। गणपति बाबा मौर्या, गणपति बाबा मौर्या। कैमरा पर्सन हनी दे नाल हरदीप दुआ ने दो इजाजत। गणपति बापा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या।